हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी नामा। आज का टॉपिक है वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय। वुमेन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। देश की उचित सामाजिक और आर्थिक वृद्धि के लिए महिला शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बोथ मैन एंड वुमेन आर लाइक टू साइड्स ऑफ द कॉइन एंड रन इक्वली लाइक टू व्हील्स ऑफ द सोसाइटी। पुरुष और महिला दोनों सिक्कों के दो पहलू की तरह है और समाज के दो पहियों की तरह समान रूप से चलते हैं। सो वो आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री, दस रिक्वायर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एजुकेशन। इसलिए दोनों देश में विकास और विकास के महत्वपूर्ण तत्व हैं और इसी प्रकार शिक्षा में समान अवसर की आवश्यकता है। इफ एनीवन ऑफ बोथ गोज डाउनसाइड, यदि दोनों में से कोई भी नकारात्मक पक्ष लेता है, सोशल प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल, तो सामाजिक प्रगति संभव नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, भारत में महिला शिक्षा के लाभ। द फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज हाईली नेसेसरी फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एज वुमेन आर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, मीन फ्यूचर ऑफ द नेशन। भारत में महिला शिक्षा देश के भविष्य के लिए अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि महिलाएं अपने बच्चों की पहली शिक्षिका का अर्थ है राष्ट्रीय का भविष्य। इफ एजुकेशन ऑफ द वुमेन इज गेटिंग इग्नोर्ड, यदि महिलाओं की शिक्षा को अनदेखा किया जा रहा है, इट वुड बी इग्नोरेंट ऑफ ब्राइट फ्यूचर ऑफ द नेशन, तो यह राष्ट्र के उज्जवल भविष्य से अनभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ मीन अनदेखा, इग्नोरेंट। एन अनएजुकेटेड वुमेन कैन नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन हैंडलिंग द फैमिली, एक अशिक्षित महिला सक्रिय रूप से परिवार को संभालने, प्रॉपर केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड द फ्यूचर जनरेशन, बच्चों की उचित देखभाल और इस तरह कमजोर भविष्य में भाग नहीं लेते। वी कैन नॉट काउंट ऑल द एडवांटेजेस ऑफ द वुमेन एजुकेशन, हम महिला शिक्षा के सभी फायदों को तो नहीं गिना सकते। एन एजुकेटेड वुमेन में इजिली हैंडल हर फैमिली, एक शिक्षित महिला ने परिवार को आसानी से संभाल सकती है। मे ईच फैमिली मेंबर रेस्पॉन्सिबल, परिवार के प्रत्येक सदस्य को जिम्मेदार बना सकती है। इनफ्यूज गुड क्वालिटीज इन चिल्ड्रन, बच्चों में अच्छे गुणों का संचार कर सकती है। पार्टिसिपेट इन द सोशल वर्क एंड ऑल वुड लीड हर टूवर्ड द सोशली एंड इकोनॉमिकली हेल्थी नेशन, सामाजिक कार्यों में भाग ले सकती है और सभी उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वस्थ राष्ट्र की ओर ले जाएंगे। By educating a man, only a man can be educated. However, educating a woman, whole country can be educated. एक आदमी को शिक्षित करके केवल एक आदमी को शिक्षित किया जाता है, लेकिन एक महिला को शिक्षित करने से पूरे देश को शिक्षित किया जा सकता है। Lack of woman education weakens the powerful part of the society. नारी शिक्षा का अभाव समाज के शक्तिशाली हिस्से को कमजोर करता है। So, women should have full right for the education and should not be treated as inferior to men. तो महिलाओं को शिक्षा के लिए पूर्ण अधिकार होना चाहिए और उन्हें पुरुष से नीचा नहीं माना जाना चाहिए। Conclusion, निष्कर्ष, India is now a leading country in the field of women education. भारत अब महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी देश है। अग्रणी में आगे। History of India is never ब्लैंक ऑफ ब्रेव वुमेन, भारत का इतिहास बहादुर महिलाओं के लिए कभी भी खाली नहीं है। हाउ एवर इट इज फुल ऑफ वुमेन फिलोसोफर लाइक गार्गी, विश्वावरा, मैरी थ्रियरी ऑफ वैदिक एज एंड अदर फेमस वुमेन आर लाइक मीराबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई एटीसी, लेकिन यह गार्गी, विश्वावरा, मैरी थ्रियरी वैदिक युग की जैसी महिला दार्शनिकों से भरा है और अन्य प्रसिद्ध महिलाएं जैसे मीराबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई आदि हैं। ऑल द फेमस हिस्टोरिकल वुमेन इन इंडिया आर इंस्पिरेशन फॉर द वुमेन ऑफ दिस एज, इस उम्र की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। वी नेवर फॉरगेट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी एंड कंट्री, हम समाज और देश के लिए उनके योगदान को कभी भी नहीं भूलते। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।